गल सर, मैं थोड़े से एक गल जाननी चाहना हाँ भी ये एक इसलिए पंजाब की नौजवानी का एक अहम मुद्दा है। तुहानू की लगता कि 27 तरीक यानी कि अज 22 ते 5 दिनों के बाद यह मीटिंग रखी है जथेदार साहब ने, कि यह मीटिंग एक दो या कल या परसों नहीं रखी जा सकती, कि कारण की आ कि पुलिस लगातार जिहड़ियां नौजवानों फड़ फड़ अंदर दे रही आ, परचे पा रही आ, NSA लगा रही आ, ते जथेदार साहब नू इह तुरंत लैण एक्शन लैण की बजाय मतलब 27 तरीक रख दी। ते तुहानू की लगता कि यह कोर्ट का फैसला जो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब नू इह पेश किया जाए 26 तों पहला पहला, उहदा कोई डिसीजन देख रहे कि जथेदार साहब कोई होर चीज की वेट कर रहे? तुहानू की लगता बई ये एक्शन तुरंत होना चाहिए सी कि जां इन्ने 5 दिनों के बाद? तुहानू तुहाडा की विचार है इहदे बारे? जथेदार साहब नहीं, कार्यकारी जथेदार ने। जी कार्यकारी जथेदार लंबे समय तो लगे हुए ने, जी यही देखते होने भी ठंड ठंडौरा हो ही जाए, सारे पासे जिहड़ी आ गलबात किसी तरह लग ही जाए, ना ही कोई जिहड़ी तद तक पता लग जूगा गलबात किहड़े सिरे लगती आ। अमृतपाल सिंह वाली भी, अमृतपाल सिंह दे मसले दे विच भी पता लग जूगा गिरफ्तार आ जां फरार आ। वैसे जिन्ने भी अज लोग मनते हैं जिहड़ियां तस्वीर आ रही ना, ये तस्वीर इशारा किसी होर पासे नूं करदियां कि अमृतपाल सिंह हो सकता गिरफ्तार होवे। तस्वीर तस्वीर आ रही अगले अगली कहानी की एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो, देखिए की बनता। पहले सवाल शाह ने भी सवाल उठाए कि 80,000 की नफरी सैलीब्रेट केड़ी गलों करी जांदे सी, मैनूं तां समझ नहीं लगी। भगवंत मान हुणी भी शर्मा हुणां दे स्टार लगाए आ, अफसर भी बड़े खुश आ, अमृतपाल सिंह उथों निकल गया आ, हुणी नमोशी चाहीदी आ, इह खुश बड़े समझ नहीं आ रही भी चक्कर की होया आ, इह खुशी काहदी आ? सचमुच दे विच अमृतपाल सिंह फरार आ तां। बाकी एक गल मैं होर कहनी चाहूंगा जी, पिछले समय दे विच रणजीत सिंह कुकी गिल बोलते रहे जी, जां होर कुछ लोग जिहड़े आ ओह इदां दी आवाज उठती रही आ, साडे लोकां ने गाल बहुत भराई उहनां नूं। बिल्कुल जी, उहनां नूं इही कहिंदे रहे जां दलजीत सिंह बिट्टू होणी दी आ जिहड़े जां असिधे तरीके दे नाल उहनां ते वी सवाल उठाउंदे रहे। असल दे विच जिन्हां ने 30-30 साल जेलां कट्टियां आ ना, जां जिन्हां ने हथीं एक्शन किए आ, जिन्होंने हथी जाके जेड़े आहो जे काम किए कि उन्होंने लम्बिया जेलां कटनिया पईआं जी, वो उन्हां लोकां दे विचार सी ना जेड़े, वो ये सी कि आपां थोड़ी जी ठंड रखीए, स्टेट की कर सकती आ ते स्टेट दे जदों भारी पैंदी आ कौन कौन खड़दा हुंदा, ये गल्लां उस तक पता लगदियां हुंदियां जदों सिर आण पवे। जी बिल्कुल, ते जदों ना उन्हां नूं वो इदां दी गल करदे सी ते लोक थल्ले इदां दे भैड़े भैड़े कमेंट, एक कामरेड बन गया, ए दोखी बन गया, ए बीजेपी नाल रल गया, ए हुण ए मुखबरी करके बनया आ, ए समझौता करके बाहर आया आ। असल दे विच अज जो स्थिति आ ना, ये सारे लोकां ने लम्मा समा संघर्ष कटिया आ, इन्हां नूं पता सी कि असल दे विच ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਠ ਵੱਜਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੜਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਏਡੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋਖੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਚਲਣਾ ਝੱਟ ਕੁਚਲਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਬੋਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਆ,
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 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 ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ